हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, एसएससी ने एमटीएस की जो भर्ती है वो निकाल दी है दोस्तों, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार एमटीएस की जो भर्ती है वो कब आएगी। फाइनली एसएससी के द्वारा उसे निकाल दिया गया है, तो बहुत ही बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है दोस्तों कि आपके लिए जो भर्ती है उसको निकाल दिया गया। ओके, तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया की वैकेंसी है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑल इंडिया के इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले, केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आपने किसी भी स्कूल से 10th पास कर रखा है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्कूल से, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए, इसमें दोस्तों दो तरीके की पोस्ट निकलती है। एक तो आपकी एसएससी की एमटीएस की होती है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक होती है आपकी हवलदार की पोस्ट। दोस्तों इस तरीके से आपका चीजें रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी अप्लाई करने की डेट क्या है और इसकी एग्जाम डेट क्या रखी गई है। दूसरा, इसमें पोस्ट कौन सी निकली हुई है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है। एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या मांगी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपके पास, आयु कितनी मांगी है, एज कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है जब आप फॉर्म भर देंगे, और फाइनल सिलेक्शन तक, फाइनल ज्वाइनिंग तक आपको किस किस प्रोसेस से होकर होके गुजरना होगा। इसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या है डिटेल में वो जानने वाले, साथ ही साथ इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है पर मंथ वो देखेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या आपको काम करना पड़ेगा, कहाँ पर काम करना पड़ेगा पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। जिसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर कहाँ से आप अवेल कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, पूरा कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी अप्लाई करने की डेट क्या रखी गई है। तो दोस्तों बात कर लूँ, इसकी अप्लाई करने की जो डेट है 27/6/2024, यानी कि आज की डेट से इसके फॉर्म बनना स्टार्ट हुए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2024 रखी गई है। बात कर ले इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम की डेट दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में रखी गई है। तो इसका जो संभावित है कि वो नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपको मालूम है 31 अक्टूबर की है दिवाली, तो इसके बाद ही आपका एग्जाम होने वाला है। तो नवंबर 5 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। चलिए अगला देख लेते हैं कि इसमें पोस्ट कौन सी है। तो बात कर ले दोस्तों, एमटीएस की तरफ से हर साल नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें दो तरीके की पोस्ट निकलती है। एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल, ठीक है। एक कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल जिसे आप मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। एक कौन सी होती है दोस्तों, यहां से मैं आपको बता देता हूँ, है ना। चलिए देखिए, एक होती है दोस्तों आपकी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, एंड दूसरी होती है आपकी हवलदार, सीबीआईसी एंड सीबीएन में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सीबीएन में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो दो तरीके की आपकी पोस्ट निकलती है। एमटीएस को आपके ऑफिस की जॉब होती है, और हवलदार की जो जॉब होती है ये भी ऑफिशियली जॉब होती है, बस उसको ड्यूटी वगैरह भी करना होती है, जैसे आपको कहीं कहीं किसी की ड्यूटी में लगा दिया जाता है, तो वो सारी चीजें इसमें रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं अब देखिए नंबर ऑफ, यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रखी गई है वो 8,326 रखी गई है। बात कर ले अगर हम एमटीएस की वैकेंसी देखें कितनी है, तो एमटीएस में 4,887 वैकेंसी है, और हवलदार की बात करें तो इसमें 3,439 वैकेंसी दे रखी है। इन भविष्य में इन वैकेंसीज में अपडेशन होगा, और ये वैकेंसी बढ़ के 15,000 के आसपास रहने वाली है। इसके बाद बता दें कि इसमें इन्होंने सीबीआईसी और सीबीएन जो हवलदार की डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल वाइज वैकेंसी दे रखी है। तो चलिए क्या है वो वैकेंसी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है वो वैकेंसी पूरी पोस्ट वाइज पूरी डिटेल वाइज आपको दिख रही होगी कि डिटेल ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन फॉर द ईयर ऑफ 2024। तो यहाँ पर देखिए कि सीजीएसटी हो गया, यानी कि सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया आपका। इसमें ये आपके कैडर दे रखे, कैडर अथॉरिटी आपकी क्या रहेगी, भोपाल है, बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, यहाँ पर आपकी कैटेगरीज देख रखी, यू आर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस टोटल कितनी है, एक्स सर्विसमैन वगैरह। यहाँ पर टोटल नीचे आप देख रहे हैं 3,439 है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो यूआर की 1551 है, एससी की 516 है, एसटी की आपकी 290 है, ओबीसी की 792 है, और आपकी ईडब्ल्यूएस की 219 वैकेंसी रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी है। जब आप फॉर्म भरने आएंगे तो आपसे वहाँ पर प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो इन वैकेंसी के हिसाब से कि कहाँ पर ज्यादा वैकेंसी है, कहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो फॉर्म है उसको फिलअप करिएगा, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो दोस्तों अगर आपने ऑल ओवर इंडिया से
ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी मात्र 10th पास कर रखी है ना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। इसमें बात कर लेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कट ऑफ डेट रहेगी, यानी कि आपको 1 अगस्त 2024 तक आपके पास जो 10th की मार्कशीट है वो अवेलेबल रहना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, एज लिमिट क्या मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट इसमें दो तरीके की पोस्ट होती है, एक होती है आपकी 18 से 25 साल और दूसरी होती है 18 से 27 साल की उम्र। दो लोगों के लिए वैकेंसी निकलती है, एक तो 18 से 25, एक 18 से 27। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो कि 18 से 27 वालों के लिए होती है, कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो 18 से 25 वालों के लिए होती है, वो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको दे दी जाती है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एज में किस किस को छूट मिलती है, तो एससी एसटी को 5 साल के लिए, ओबीसी को 3 साल के लिए, और आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज की, वो रखी गई है 1 अगस्त 2024 तक आपकी जो एज है वो इसके अंदर आना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसकी फीस क्या रखी गई है। फीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी एप्लीकेशन जो फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 100 रुपए रखी गई है, वहीं एससी एसटी फीमेल के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। आखिरकार जब आप फॉर्म भर देंगे तो आपको किस किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एमटीएस का फॉर्म भरते हैं और हवलदार का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, हवलदार की उसमें पोस्ट को सिलेक्शन करने के लिए है, फॉर्म एक ही भरा जाएगा, उसमें पोस्ट आपको चूज करना होती है, तो आप दोनों पोस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप एमटीएस की बात करें, एमटीएस के सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, केवल आपका एक टीयर फर्स्ट सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। अगर आप उसे पास कर लेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पर आपका फाइनल जो सिलेक्शन है यहाँ पर हो जाएगा। इतनी प्रोसेस है, बस एक एग्जाम खत्म, एक एग्जाम ही, मैंने डीबी तो बात की बात है ना। चलिए, हवलदार में क्या होगा, एक आपका सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डीबी होगा और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक आपकी स्टेप बढ़ जाती है, जो कि आपकी फिजिकल वाली, फिजिकल अगर आप हवलदार का फॉर्म भरते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट आपको यहाँ पर देना होते हैं। आगे बताऊंगा कौन कौन से वो फिजिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न अच्छे से समझना, ठीक है, पूरा समझा रहा हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपके दो सेशन रहेंगे, एक रहेगा सेशन फर्स्ट, दूसरा रहेगा सेशन टू, एक ही दिन ये पेपर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, देखिए, इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेशन फर्स्ट सेशन टू विल स्टार्ट, सेशन टू विल स्टार्ट, सेशन टू विल ऑल्सो बी फॉर 45 मिनट्स, एंड इमिडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स सेशन टू एंड हेंस द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कम टू एंड, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 45 मिनट है, जैसे ही आप सेशन फर्स्ट कंप्लीट करेंगे तुरंत ही आपका सेशन टू चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेशन फर्स्ट में क्या हुआ, दो सब्जेक्ट होंगे आपके, एक आपका मैथ रहेगा, दूसरा आपकी रीजनिंग रहेगी, जैसे 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। इसी तरीके से रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे, टोटल आपको टाइमिंग 45 मिनट दी जाएगी। इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होती है वो यहाँ पर नहीं रखी गई है, कौन से सेशन फर्स्ट में, सेशन टू में आप जाएंगे तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगी, वो भी 1 नंबर की, कितने की, 1 नंबर जो है आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा, तो विशेष ध्यान रखना सेशन टू इंपॉर्टेंट है, और यहीं से आपका सिलेक्शन होगा, जो आपका सेशन टू है ना यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला सिलेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये केवल क्वालिफाई नेचर का, कैसा है, क्वालिफाई नेचर का, ठीक है, कैसा है, क्वालिफाई नेचर का, ओके, ये केवल क्वालिफाइंग करना है आपको, और पूरी जो मेरिट बनेगी आपकी सेशन टू से यहाँ पर बनने वाली है। इसमें बात कर लें तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, इसी तरीके से इंग्लिश सेशन से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 30 मार्क का, 3 मार्क का आपका रहने वाला है। इसमें भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, और पूरा सिलेक्शन जो टिका है वो आपका इन दोनों सेक्शन पर, यानी कि जीए और इंग्लिश पर टिका हुआ है, तो इसको ही आपको पढ़ना है। आई होप आप समझ चुके होंगे, ठीक है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से एक बार आपको दोहरा देता हूँ चीजों को मैं, कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहेगा, ठीक है, और ये केवल आपका कैसा रहेगा, क्वालिफाई रहेगा। इस सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। इस सेक्शन के ऊपर आपका क्या होगा, इसमें मेरिट बनेगी, यानी कि यही आपकी नैया पार लगाएगा, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और जो कि 1 नंबर की आपकी मार्क नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, इतना समझ गए, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन टू सेशन, सेशन फर्स्ट एंड सेशन टू, ऑन द सेम डे,
एंड बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी, दोनों सेम डे होंगे और आपको देना अनिवार्य है। दूसरा लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन फर्स्ट, ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट्स सेशन फर्स्ट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, यानी सेशन फर्स्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे और जैसे ही आपके 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ये बंद हो जाएगा और ये वाला सेशन आपका चालू हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक, और आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या चीजें बताई गई, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई, जैसे देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसमें, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा उसके चार ऑप्शन रहेंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि आपका हिंदी में भी पेपर रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में रहेगा, जिस और आप जब एग्जाम देने आएंगे तो वहां पर आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी, उसी लैंग्वेज में आपका पूरा पेपर खुलने वाला है। ओके ठीक है, समझ गए। चलिए इसके बाद बात करें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, मैंने बताया नो नेगेटिव मार्किंग है। इन सेशन टू देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से रखना, फॉर ईच रॉन्ग आंसर कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग दी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें, ये नॉर्मलाइजेशन की बात है तो इसको हम नहीं रखते हैं, ठीक है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको जानना बेहद आवश्यक है, ठीक है, चलिए बता देता हूँ क्या बात है। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दे रखा है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ। देखिए द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन फर्स्ट एंड सेशन टू इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। इसके बाद बोला गया है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, यानी कि सेशन फर्स्ट में आपके जितने भी मार्क्स होंगे वो सबसे पहले कैलकुलेट किए जाएंगे। अगर आप सेशन फर्स्ट पास करते हैं, पास करेंगे तभी आपका जो सेशन सेकंड है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप इसे फेल कर जाएंगे तो आपका, अगर इसे फेल करेगा तो ये भी फेल हो जाएगा, समझ लो। तो सेशन फर्स्ट जरूरी है, ध्यान रखना। इस बार लिखा है कि फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेकंड सेशन सेकंड वुड बी इवेल्युएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन फर्स्ट। तो आप सेशन फर्स्ट में अगर क्वालिफाई करते हैं तभी आप सेशन टू के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए सेशन फर्स्ट के लिए यहाँ पर बोला है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखे गए हैं, ओके, और सेशन टू के भी क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स क्या रखे गए। तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा है, UR के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरीज के लिए 20% यहाँ पर रखा गया है। बात कर लेते हैं द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ अ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि हवलदार की पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपका PET और PST होगा, ठीक है। चलिए वही बात कर लेते हैं कि अगर हम MTS की पोस्ट के लिए भरते हैं तो इसमें दो ग्रुप के पेपर होते हैं, एक 18 से 25 और एक 18 से 27 साल, और जो आपकी मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो सेशन टू के आधार पर यहाँ पर बनने वाली है, समझ गए होंगे आप चीज। तो सेशन टू बेसिकली पूरा सेशन टू पर खेल टिका हुआ है आपका। यहाँ पर और भी चीज लिखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज सेशन टू ऑफ CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ पोस्ट कमिस्टेड एक्सरसाइज बाय देम कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो कहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सेशन टू के आधार पर, ओके, और हवलदार के लिए सेशन टू प्लस आपकी जो PET PST होगी उसके आधार पर आपकी बनने वाली है। चलिए डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि डिटेल सिलेबस में क्या पूछा जाएगा आपसे, चलिए बता देता हूँ आपको। चलिए ये इसका डिटेल सिलेबस है, मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ आपने सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसमें देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ मोटा मोटा ऊपर से, कि मैथ से आपके ये वाले टॉपिक पूछेंगे, रीजनिंग से ये टॉपिक्स पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस से ये टॉपिक्स और इंग्लिश से ये टॉपिक, ठीक है। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको डिटेल में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं PET एंड PST में क्या होने वाला है। तो बात कर लेते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC एंड CBN, फॉलोइंग आर द PET PST स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIC। ये आपके स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपके आपको वॉकिंग कराई जाएगी, आपको पैदल चलवाया जाएगा, जिसमें 1600 मीटर आपको रनिंग करनी है, जो मेल कैंडिडेट है जो पैदल चलना है 15 मिनट में, ठीक है, 15 मिनट में 1600। वहीं फीमेल जो कैंडिडेट है उनको 1 किलोमीटर पैदल चलना है 20 मिनट में, ओके। और यहाँ पर कुछ वुमेन के लिए यहाँ पर शर्तें लिखी हुई है कि अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट वगैरह है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ओके ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं कि PST में क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं PST में क्या होगा। देखिए PST में क्या होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं PST में आपका, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, हाँ, और अगर आप इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, गोरखाज, असमीज, गरवालीज, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चेस्ट की बात कर लें
चेस्ट 81 रहेगी और एक्सपेंशन आपका जो होगा वो 5 सेंटीमीटर यानी कि 81 से 86 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल की बात करें हाइट रहेगी 152 और वही रिलैक्सेशन 2.5 सेंटीमीटर अगर आप इन रीजन से बिलोंग करते हैं तो। वहीं वेट आपका होना चाहिए 48 kg और 2 kg का आपको रिलैक्सेशन लेगा अगर आप इन इन रीजन से बिलोंग करते हैं। ओके आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे है ना। पीएसटी पीटी और पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय द सीबीआईसी एंड सीबीएन एट वेरियस सेंट्रलाइज्ड सेंटर फाइनलाइज्ड बाय देम। पीटी पीएसटी जो होगा वो एसएससी के द्वारा जो सेंटर निर्धारित किए गए वहीं पर आपका होने वाला है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज रहेगी आपकी यहाँ पर देख लेते हैं। सैलरी सैलरी क्या मांगेगी दोस्तों। ओके सैलरी देख लेते हैं। देखिए सैलरी क्या मिलेगी आपको यहाँ पर सैलरी के बारे में बताता हूँ आपको। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, सैलरी से पहले एक चीज हो रहा है, एक चेक एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया था, ठीक है डिटेल सिलेबस बता दिए, पीटी पीएचटी बता दी आपको। अब बात कर लेते हैं सैलरी कि आपको सैलरी क्या मिलेगी जब आप उसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए अभी बेसिक पे चल रहा है 18,000 पर मंथ, एक्स वाई और जेड सिटी के आधार पर ये तो फिक्स रहेगा ठीक है। बट आपका जो डीए है वो इन डीए और टीए ट्रेवल अलाउंस वो इन सिटीज के आधार पर क्या करता है वेरी करता है और एचआरए भी आपका इन सिटीज के आधार पर जो है वेरी करता है। तो आपकी इन हैंड जो सैलरी रहेगी अगर आप जेड सिटी में बिलोंग करते हैं तो 32,000 आपको मिनिमम या इससे ज्यादा ही मिलेगी, 32-33 के आसपास मिलेगी। और अगर आप एक्स सिटी में बिलोंग करते हैं तो 36 या उससे ऊपर मिलने वाली है। बाय में आप बिलोंग करेंगे तो वही 34 से 35 के आपको मिलने वाले हैं ठीक है, ये पर मंथ आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अदर अलाउंस भी होते हैं जैसे मेडिकल लीव वगैरह और भी लीव्स वगैरह होती है वो आपको मिलेंगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। यहाँ पर एक चार्ट दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि आपका डीए जो है 50% बढ़ गया, पहले आपका 46% था अब 50% हो गया। अगर आप एज अ एक्स सिटी में ज्वाइन होते हैं एक्स सिटी में तो आपका देखिए 18,000 बेसिक पे रहेगा और 9,000 आपका क्या रहेगा यानी कि 27,000 तो ये हो गया आपका ठीक है। 9,000 आपका रहेगा डीए, एचआरए रहेगा 5,400 रुपये है ना, एचआरए रहेगा 5,400 रुपये और टीए रहेगा 2,025 रुपये ठीक है। हालांकि टीए भी अभी चेंज हो गया ठीक है, ये थोड़ा बढ़ गया 2, 4, 7, 5, 12, 13, 14 और 2 और 3 तो 34,425। इसके अलावा भी और भी एक दो चीजें होती है जो मिलती है तो वही मिला के आपकी 35 से 36,000 तक ये सैलरी आपकी वेरी करने वाली है। डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग होती है यहाँ पर चीजें ठीक है। तो मैंने एक मोटा मोटा आपको ये चीजें बता दी किस तरीके से आपकी चीजें रहने वाली। ओके आप देख सकते हैं पहले जो आपकी सैलरी थी वो देखिए पहले 8,280 था, 46% ये था, ये 5,400 था, इसमें भी एचआरए भी बढ़ गया अभी है ना, एचआरए ये 20% हो गया तो 18 ये अभी कितना सॉरी एक्स सिटी के 30% तो 18 थी 54 अभी तो ये सारे तो वही है ठीक है। टीए थोड़ा इंक्रीज हो गया तो देख लेना थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पड़ने वाला है। ओके चलिए तो ये आपकी सैलरी आएगी, बहुत ही बढ़िया सैलरी है दोस्तों अगर आप इनिशियल इस पर शुरुआत करते हैं। ओके चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो बात करें जॉब प्रोफाइल आपकी, देखिए द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पे लेवल फर्स्ट एस पर पे मैट्रिक्स ऑफ 7th पे कमीशन। अ सेंट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टैचुअरी बॉडीज ट्रिब्यूनल्स इटीज इन डिफरेंट स्टेट या यूनियन एंड टेरिटरी हवलदार इन पे लेवल फर्स्ट ठीक है। इतनी सारी मतलब हवलदार की जो वैकेंसी रहेगी वो बेसिकली सीबीआईसी में है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में सीबीएन में है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया आपका, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा, इन इन बहुत जो बड़ी जगह है ना, कैग का मंत्रालय हो गया, लोकसभा हो गया आपका, राज्यसभा हो गया, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटेरिएट हो गया है ना, तो वहाँ पर आपको जो वैकेंसी इसकी मिलती है। बड़े बड़े जो ऑफिसेस होते हैं जितने भी आपके आर्मी के जो बड़े बड़े होते हैं, रक्षा विभाग वगैरह होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री जो होते हैं, वहाँ पर आपको इसके द्वारा जो है जॉब दी जाती है। ओके आई होप आप चीजों को समझते हुए चल रहे होंगे ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना पड़ता है, अगर आप एमटीएस है तो आपको इस तरीके से ऑफिस में बैठना पड़ेगा, अगर हवलदार की जॉब करते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्यूटी लगाई जा सकती है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे आप देख सकते हैं। ओके चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक वर्क नहीं करता है तो जाके चैनल पर सर्च मार के ज्वाइन हो जाना, यहाँ पर मैं आपके जो भी इसके पेपर है पूरे प्रीवियस ईयर के लास्ट 5 ईयर के पेपर डाल दूंगा तो वहां से जाके आप उसे अवेल कर सकते हैं। ओके तो जल्दी जाइए ज्वाइन कर लीजिए उस चीज को। इसके बाद बात कर ले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, तो दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ के लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है ना, जल्द ही वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ बताऊंगा कि अलग अलग स्टेट वाइज
स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज किस तरीके से यहाँ पर कट ऑफ वेरी करती है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार कट ऑफ देख लेना, किस किस जगह का कम कट ऑफ जाता है और किस जगह का आपका ज्यादा कट ऑफ जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जगह ज्यादा जाता है, इस जगह कम, तो मैं इस जगह से फॉर्म भरना चाहिए या इस जगह से फॉर्म नहीं भरना चाहिए। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको लगभग पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसको ज्वाइन कर लेना, है ना। आपको पीडीवीसी के पेपर वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इसी तरह की और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।